Welcome to Desi Plaza TV. Hello viewers. We are having a wonderful conversation with Dr. Neeraj. So our body can heal itself. He told me that you are a physician on your own. You are a self-physician to heal your body. So let's explore more and discuss more with them about him and the facility he is from. Um, thank you, G. So the next question I'm gonna ask you is so we have like seen you here. and i heard that when we go to yogram in order to get your glimpse itself is not even feasible so i'm curious what do you do from the morning to evening your 8 hour or 8 hour work cycle is for us i don't know how many hours you work so how does it look like can you explain us hum apne ashram mein yogram mein क्रोनोबायोलॉजी के आधार पर क्रोनोबायोलॉजी साइंस के आधार पर सुबह से लेकर शाम तक रोगियों का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति नहीं हर प्राणी के अंदर हर वनस्पति के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है सर्केडियन क्लॉक होता है उस हिसाब से हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि को नौ बजे तक पूरा कार्यक्रम जो है खत्म हम करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो उस समय की उन हवाओं में फिजाओं में इस प्रकार के वातावरण होता है ऑक्सीजन वोजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़िया होता है कि उसमें अपने आप स्वास्थ्य का नया जीवन का आनंद का सृजन होता है फिर उसके बाद हम शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारी जो पंच के कर्म है सठ कर्म क्रिया है उसे हम कराते हैं जिसमें वस्ती है कुंजल क्रिया है आपके बागी क्रिया है ये अलग अलग क्रियाएं होती हैं फिर उसके बाद हमारा योग का सेशन शुरू होता है जिसमें ध्यान है आसन है प्राणायाम है ये सारे कार्यक्रम चलता है फिर उसके बाद लोगों को क्योंकि हमारा चिकित्सा का मूल लक्ष्य ये है कि मुझे सिर्फ रोगों से मुक्त करना नहीं है बल्कि रोग से मुक्त हो गए स्वस्थ हो गए तो आजीवन कैसे स्वस्थ रहें और वो जा के दूसरों को बताएं कि स्वस्थ रहने का तरीका क्या है ये तरीका बी और डॉक्टर अपना डॉक्टर आप बनो ये हमारा लक्ष्य तो उनको हम प्रतिदिन एक घंटा बताते हैं कि वे ऑफ लिविंग वे ऑफ हीटिंग वे ऑफ एवरीथिंग क्या होना चाहिए यू यू टू किल और यू टू लीव ये सारी चीज़ें बताया जाता है और इस प्रकार से जो है ये आठ बजे कार्यक्रम हमारा सवा आठ बजे ख़त्म होता है उसमें म्यूजिक थेरेपी है उसमें डांस थेरेपी है उसमें लाफ्टर थेरेपी है बहुत सारे थेरेपी उसमें जुड़े हुए हैं इसके अतिरिक्त जो है उसमें आपके उसके बाद जो है ब्रेक हमें मड कंप्रेस देते हैं मड कंप्रेस के बाद ब्रेकफास्ट देते हैं फिर उसके बाद हाइड्रोथेरेपी हमारा शुरू होता है और हाइड्रोथेरेपी ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक ख़त्म हो जाता है फिर हमारा लंच होता है लंच में अकॉर्डिंग द डिजीज जो है अलग अलग जूसेज है फल है आहार है ये सब हम देते हैं फिर उसके बाद जो है शाम ढाई तीन बजे फिर हमारा मड कंप्रेस शुरू होता है फिर उसके बाद जो है हाइड्रोथेरेपी शुरू होता है फिर शाम को योग का कार्यक्रम चलता है और इसके बीच में रोगी हमारे डॉक्टर से जो हमारे वहाँ पंद्रह डॉक्टर हैं मेरे असिस्टेंट हैं इसके अतिरिक्त जो है करीब डेढ़ सौ हमारे काम करने वाले जो लोग हैं इसके अतिरिक्त ढाई तीन सौ पूरा स्टाफ हमारा चार सौ लोगों का स्टाफ है जहाँ पूरा जो है हमारा वहीं पर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं किसी प्रकार की केमिकल और इस सब का काम नहीं लेते हैं और विश्व के जितने भी फल हैं वो सब हम वहाँ पर ये कल्टीवेट कर रहे हैं तो इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम फिर शाम को हमारा ग्रुप काउंसलिंग होता है लोगों को हम बताते हैं वे ऑफ लिविंग वे ऑफ ईटिंग योग के बाद फिर उसके बाद उनकी सारी चीज़ें समस्याओं का हम हल करते हैं और फिर भोजन करते हैं फिर रात्रि को नौ दस के बीच में सो जाते हैं और सुबह फिर चार बजे ये पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से चलता है और ये इस प्रकार से उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे जो अपसेट हो रहा होता है वो सेट हो जाता है और रोगी स्वस्थ होता जाता है So, Dr. Neeraj has just uh, shared his busy schedule and his uh, day at Yogagram, which is a facility that can ho house about 400 to 500 residents. And he has a staff of 15 trained doctors under him. And he also has 400 people that are working relentlessly from morning to evening it is the whole day is structured around the circadian clock or the chronobiological clock which as per the nature's uh, nature's uh, demand right all the beings in existence there is the nature has installed a chronobiological clock within each of the beings and the whole nature is balancing beautifully and living life in accordance with the laws of the nature so wake up call is around the brahma muhurt in the morning that is when the creative juices are flowing and that is when a lot of work gets done they have the brahma muhurt so that's a wake up call and right after that they have different therapies then they have uh, they conduct yoga for the residents over there and after that there is mud therapy and then there is a session for breakfast and after that again they go back to different therapies as prescribed for the various diseases and then they have a break for lunch and everything that is provided over there is grown and cultivated organically so all of the produce comes from their organic farming that they do within the facility okay. and after that again at 2.30 in the afternoon they start with the mud therapy then they have a discussion and a talk where Dr. Neeraj gives a talk for about an hour or so on proper eating, proper living, proper, uh, you know, living in laws with the nature and with in tune with the circadian clock or the biological chronobiological clock within our system and after that they have another session of group counseling where the people where the residents get together and then based on their their diseases they are given their uh, treatments and their group counseling and then the end of the day is around 9 or so at night when the day is called off and then the residents go back to rest so the whole philosophy of this is that the body can heal on its own accord and diseases are manifesting because the circadian clock or the chronobiological clock is disturbed so the philosophy is to bring back the the chronobiological clock and the circadian clock and the rhythm in each of these residents thereby they heal themselves they become their own doctors they are the best doctors and they are their own doctors it seems like a lot of pampering for yourself right so I'm so excited really wanted to visit visit your facility want to be a resident and take some treatments because it's not looking like a treatment it's looking like more of a pampering and also I have to just uh, research more about the chronobiological clock because if you are like misaligning with it we need to be aligning with it pretty soon so now I'm curious want to come to your ground? सो वॉट आर देश प्लीज एक्सप्लेन एस वॉट टू डू हाउ टू डू इट हाउ टू स्केट वहाँ पर आप डब्ल्यू डब्ल्यू योग ग्राम के उस पर जा करके आप देखेंगे तो अपने आप पता चल जाता है वहाँ की सारी व्यवस्थाएँ आपके सामने आ जाएगी और उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार जो है आप अप्लाई करें और आपको वहाँ पर जगह मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्था हमारी करीब पाँच सौ लोगों की है और अभी लेटेस्ट तो हमने जो है काफ़ी सिक्स स्टार जो है व्यवस्था भी हमने कर दिया है जो पैसे वाले लोग है, जो काफी हैं जो काफ़ी चाहते हैं सुख सुविधाएं तो सुख सुविधाओं से युक्त जो है हमारा अभी निरामयम एक अलग सेक्शन स्वामी जी ने जो है उसको प्रारंभ किया है क्योंकि ये सारा कार्यक्रम परम श्रद्धे पूजा तो स्वामी जी के संरक्षकत्व में और हमारे आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज के उनके नेतृत्व में हम उसे संचालन करते हैं और उसका जो है पूरा उसमें व्यवस्था है एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सुबह हमारे हर एक रोगी के लिए एक मुस्कुराना जो है बहुत कंपलसरी होता है क्योंकि स्माइल जो है वहाँ पर हमने कंपल्सरी किया हुआ है दिन भर में कम से कम सात सौ मुस्कुराना क्योंकि हमारा एक सूत्र है कि सेवन हंड्रेड स्माइल्स से ए डे किफ सिक्स डे अवे डॉक्टर डिजीज ड्रग्स डिप्रेशन डार्कनेस ऑफ फेस डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे जब तक आदमी मुस्कुराता रहता है मौत भी आती है दरवाज़ा खटखट है लौट कर चली जाता है तो ये मुस्कुराना वहाँ हर एक साधक के लिए अत्यंत अनिवार्य है और इसलिए भी कि आदमी जब मुस्कुराता है ना तो उसके दिमाग से इस प्रकार के दर्जनों न्यूरोकेमिकल का सिक्सन होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा एंडफिन एंकेफेलिन डाइनॉर्फिन भेजोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन ओपीआई पी यानी दर्जनों जो हमारे जीवन में आनंद उल्लास आरोग्य उमंग ये सब भर देते हैं इसलिए जो है मुस्कुराना वहाँ पर अत्यंत अनिवार्य है ये कंपलसरी किया है हमने कि हर साधक को आते ही पहला काम सुबह उठते ही पहला काम मुस्कुराना है और उसका बहुत ही पॉजिटिव हमारा रिजल्ट आता है क्योंकि रोगी की अधिकांशता आज स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ हैं और हमारे पास जो रोगी आते हैं ना क्रोनिक रोगी आते हैं जैसे अस्थमा हुआ डायबिटीज के हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटस्टैंडर्ड डिजॉर्डर्स है पैरालसिस है आपके डिप्रेशन के रोगी हैं कैंसर प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर लास्ट अवस्था के तो हम नहीं रख पाते हैं लेकिन प्राइमरी स्टेज कैंसर प्राइमरी स्टेज ऑफ सीजोफ्रेनिया आपके प्राइमरी स्टेज ऑफ है पार्किंगसन डिप्रेशन ये सारी बीमारियों का हम उपचार करते हैं जो क्रॉनिक बीमारियों के इलाज सामान्यतः अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं होता है तो वहाँ आकर के रोगी जो है काफी अच्छा महसूस करते हैं सो गोमती इफ़ यू वुड लाइक टू गो एंड विजिट द फैसिलिटी डॉक्टर नीरज सजेस्ट वी गो ऑन डब्ल्यू 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 डॉट यो ग्राम एंड देर देर इज द होल स्केड्यूल एंड द अवेलेबिलिटी सो वन कैन गो एंड मेक द एंड गो एंड जॉइन द फैसिलिटी दिस फैसिलिटी कैन हाउस अबाउट फाइव हंड्रेड और सो पीपल एज आई अर्लियर and now they have also come up with a six star vip facility which is uh, again it's all based on <coughs> a per day fees and depending upon what kind of luxuries and comforts we need we, we can even avail the vip facilities right and um, all kinds of chronic diseases that he has talked about which is uh, the first stages of cancer arthritis primary no, primary onset of schizophrenia uh, paralysis all these diseases can be Addressed at this particular facility, and the most important thing, one of the mandates at this facility is to smile. It is he has made it as a part of the formula for uh, healing and for cure is to smile. Start the day with a smile, and the prescription for a number of smiles per day is about 700 smiles a day keeps the doctor away. That's the prescription. Not only that when we smile what happens and the chemicals and the enzymes that the brain releases are all the ones like the oxytocin the opioids the, uh, the, the feel good kind of chemicals which keeps us going, going on a high and you know, naturally without any, any intervention or medication and the healing gradually starts happening so the most important aspect of the therapy and the treatment is a s smile and smile throughout the day. Wonderfully said. Smile is very important for all of us. It will make us healthy, and uh, it's also contagious. When you smile, this other person has to, to smile, smile, right? So. Um, it's very interesting to know about it because it's not just pampering yourself. If you have a chronic condition, we can go and heal ourselves in a natural way without any side effects, which is a very good thing. We're not going to lose anything because there are no side effects. Why don't we give it a try first and then you know, try other options that we have? So always they say that before you get a surgery or something, it's better to try this option, right? Yes. Rather than yes, doing yes. the surgery and coming back again. So can you, uh, doctor, can you tell us वट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ यूर ही फॉर एनी कंडीशन एंड आफ्टर सर्जरी दोनों स्थिति में बिफोर सर्जरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ताकि उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े और सर्जरी तो एक मतलब विकल्प की अवस्था में यदि नहीं कोई विकल्प होता है तो सर्जरी कराए क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में हम देखा है कि सर्जरी कराते हैं लोग फिर वो रिकरेंस uh, हो जाता है तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा पहले करा लें हम बुलाते भी हैं लोग आते भी हैं ऐसे पेशेंट आते हैं और उससे उनको लाभ मिल जाता है कई बार कमर दर्द के ऐसे लंबर स्पॉन्डलाइटिस है लंबर सेंक्रल डिनेशन है ऐसे रोगी मेरे पास रहे जो ऑपरेशन थिएटर से लौट करके आए और उनको हमने जो ठीक किया और वो जो है बिल्कुल अभी बढ़िया शानदार जीवन जी रहे हैं तो किसी भी ऑपरेशन विकल्प नहीं है क्योंकि हम एक उदाहरण देते हैं कि जो प्रकृति ने जो हमारे शरीर की अंग की संरचना बनाई है और अच्छी तरह सेट किया है उसे कोई भी दुनिया का डॉक्टर या कोई भी उसे सेट नहीं कर सकता है जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि आप अनार लीजिए उसको दो खंड काट दीजिए और उस अनार को निकाल दीजिए कोई सेट कर सकता है उसका जैसे प्रकृति ने सेट किया हुआ है नहीं कर सकता है तो ऐसे ही हमारे अंगों के साथ भी है कि यदि अंगों को हम सही ढंग से सेट नहीं कर पाते तो जीवन भर के लिए जो है गड़बड़ी रहती है कई लोग तो कमर का ऑपरेशन कराते हैं लंबर स्पेंडलाइटिस का ऑपरेशन कराते हैं रीढ़ की हड्डियों का ऑपरेशन कराते हैं पंगू हो जाते हैं चल नहीं पाते हैं तो इसलिए जो ना पहले हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है उसे ज़रूर जो है हमें प्रयोग करना चाहिए फिर उसके बाद अन्य चिकित्सा पद्धति अपनानी चाहिए यदि हमारे पास नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन नेचुरोपैथी के रूप में परमात्मा का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर ही ऑटो तो हीलिंग सिस्टम है ऑटो तो मोनिटरिंग सिस्टम है ऑटो तो ट्रीटमेंट सिस्टम है ऑटो तो जेनेटिंग सिस्टम है ऑटो तो रिनोवेटिंग सिस्टम है ऑल आर विद इन योर बॉडी उसे आप यानी आपके अंदर सोया हुआ जो डॉक्टर है उसको जगा देने का काम हमारा प्राकृतिक योग चिकित्सा करती है तो इसलिए इसको पहले आजमाना चाहिए इसको पहले देखना चाहिए फिर उसके बाद दूसरा कोई रास्ता अपनाना चाहिए कई हृदय रोगी मेरे पास आए उनको ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं पड़ी जब डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हें तो बिना ऑपरेशन के पता नहीं कब तुम खत्म हो जाओगे लेकिन जो है कोई आवश्यकता नहीं पड़ी तो इस प्रकार से रिवर्सिंग प्रोसेस नेचुरोपैथी के द्वारा होता है और उसका बहुत लाभ मिलता है क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए चौवालीस साल हो गया और सवा लाख से ज़्यादा लोगों को हमने इनडोर एज ए इनडोर रह करके हमने इलाज किया है लाखों आउटडोर रोगियों को हमने देखा है तो उस अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि आप कहीं भी उधर भटकने की अपेक्षा पहले रिटर्न टू बैक टू नेचर फॉर रेडियंट एंड वाइब्रेंट हेल्थ और फिर थे। उसके बाद यदि आप नहीं होता है तो फिर दूसरा विकल्प है उसको ढूंढ लीजिए तो बहुत बहुत धन्यवाद so dr neeraj suggests that if there is a situation where it calls for a surgery the best option would be to resort to the naturopathic treatment prior to a surgery that would be the first line of defense is to go to nature Naturally, back to right? the basics mm -hmm. go back to the nature right once we go back to the nature try it give it a 100% give it a good shot and definitely you know, body has the mechanism to reverse the condition, and if we take care of all of our organs, everything that the nature has provided for us, not, Nobody can do it for us. For example, he gives an example of a pomegranate. Once I cut the pomegranate in the half, and then I cannot put it back together. Uh, just like the nature has given it that way. Similarly, our body, once we start tampering with it and trying to reorganize the organs within the body, it is very difficult to put it back into its original state where it was very healthy and peaceful and all the organs were in tandem working in tandem right so it is very important to consider this as a first line of defense versus a post operative you know when after all the surgeries have been done even then dr neeraj has been successful in trying to get some relief for some of the patients who have gone after back surgeries Right, that's so. a wonderful thing to know because it's always go before your surgery, and worst case scenario, if somebody has already gone through a surgery, also don't give up, and we will be able to do it. I really wanted to show you a couple of uh, books that he has written. There are a lot of books he has written, but two of them are in English, so I grabbed it with like you know a lot of fondness. There is first one is Miracles of Naturopathy and Yogic Sciences by Dr. Nagendra Kumar Neeraj, and the other book is for. The true science of healing, diabetes is not incurable by Dr. Nagendra Kumar Neeraj. So, both of them are available in Amazon. You can also try picking like amazon.co.in for the copies if you want, like Hindi versions, and all those are available in amazon.co.in as well as in amazon.com for the English versions. I would uh, highly recommend you to have these copies as well as.

डिजीज होगा डिजॉर्डर होगा डिज होगा थैंक यू एंड आई आईसो वॉन्ट यू थैंक प्रेमा मैसूर जी फॉर कमिंग एन एंड गिव यूर टाइम फॉर डूइंग द ट्रांसलेशन